नागपुर जिला ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल ने आयोजित पत्र परिषद में विविध मुद्दों पर संवाद साधा है। नागपुर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र काटोल और हिंगना हमारी पार्टी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र है और हम पिछले कई वर्षों से इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति की राजनीति में चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी हमारी पार्टी इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके विपरीत इस बार हमने उमरेड, कामटी या रामटेक निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हमने अपनी पार्टी नेता को ऐसा प्रस्ताव सौंपा है और हमारी पार्टी इस पर जोर देगी। मतदार संघात या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सपशेल मागे आहेत। आताच 35 आमदार त्यांचे पराभवाचे छायेत आहे। कदाचित याच्यातनं काही मार्ग निघतो का? कदाचित त्या वैफल्यग्रस्त पोटी यांनी कुठेतरी हा योजना आणि मध्यंतरी जयंत पाटलांचं भाषण ऐकलं असेल की त्यांनी सांगितलं की शिवराज सिंग चव्हाण आणि ती योजना आणल्यानंतर पुन्हा ते मुख्यमंत्री झाले नाही तिथले मध्य प्रदेशमधले। कदाचित हाच पायंडा महाराष्ट्रात येईल, पण कुठेतरी वैफल्यग्रस्त झाले विद्यमान अर्थमंत्री आणि आजचं मरण उद्या ते ढकलण्याचा हा प्रयोग आहे। याच्या पलीकडे काही नाही। ज्या पद्धतीने जाचकटी या योजनेमध्ये लागल्यात, महिलांच्या प्रचंड गर्दी आहेत। आता गोडमारे पाटलांनी सांगितलं कुटुंबातल्या दोन महिला भगिनींना याचा फायदा मिळणार आहे। त्याच्यामध्ये सुद्धा असे काही उदाहरणं आहेत की ST महामंडळाच्या योजनेकरता वयाची अट होती 65, 55 केली, आता 65 कसे करता येईल याच्यापुढे याच्याकरता भानगडी चालल्या आहेत। एकंदरीत 2 महिन्यामध्ये ही योजना किती फेल्युअर आहेत याचा फायदा होण्यापेक्षा या महायुतीच्या सरकारला प्रचंड फटका बसणार याबद्दल आमच्या मनात कुठलीही शंका नाही। इसके साथ ही पत्र परिषद में किसानों के मुद्दे एवं लाड़की बहन योजना पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के माध्यम से महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की राज्य सरकार की घोषणा एक धोखा है और आगामी विधानसभा में हार से बचने के लिए महायुति सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। अगर राज्य सरकार को वाकई में ग्रामीण इलाकों के किसानों की परवाह है तो हमारी मांग है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करे और बिजली बिल भी माफ करे। आज ग्रामीण इलाकों में किसान काफी परेशान भी हैं और इसका कारण रासायनिक खाद और कीटनाशकों की कीमत में भारी वृद्धि है। कपास, सोयाबीन, धान जैसी कृषि वस्तुओं की कम कीमत और प्रकृति के मनमोजी वातावरण के कारण बलिराजा बहुत परेशानी में है। इसके लिए सरकार को तत्काल किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिल माफी कर राहत देनी चाहिए। सरसकट कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही हे आमच्या पक्षाचं अधिकृत धोरण आहे। आता यापैकी कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला प्रवेश द्यायचा नाही याचा संपूर्ण निर्णय आदरणीय पवार साहेब, आदरणीय जयंत पाटील साहेब हे याचा सर्वस्वी निर्णय घेणार आहेत। सरसकट कोणालाही प्रवेश देणार जाणार नाही हे आमच्या पक्षाचं अधिकृत धोरण आहे। इसके साथ ही जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर पर संगठन निर्माण एवं जहां आवश्यक हो वहां संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस संदर्भ में बोलते हुए कुंटे पाटिल बोले कि नागपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हर तहसील, जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर पर संगठन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।